मैं प्रिया आपके साथ। ऐश्वर्या राय बच्चन से हाल ही में उनकी बेटी आराध्या से जुड़े कोर्ट मामले पर इनडायरेक्टली सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। पोनिनियन सेल्वन 2 के प्रमोशन के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछा गया कि आजकल झूठी खबरें दिखाई जा रही है, ये लोगों को इमोशनल तौर पर तकलीफ देता है, आपको लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए? इस पर ऐश्वर्या ने कहा, यह बहुत अच्छा है कि मीडिया से जुड़े लोग ये जानते हैं कि ऐसी खबरें भी हैं जो कि झूठी होती है। ये हमें उम्मीद जगाता है कि आप ऐसी खबरों को बढ़ावा नहीं देते हैं। झूठी खबरों को आपने बुद्धिमानी से पहचाना, उसके लिए धन्यवाद। ऐश्वर्या ने आगे कहा, ऐसी खबरें गैर जरूरी और असंवेदनशील है। आपके सपोर्ट, आपके नॉलेज और इस तरह की खबरों को पहचानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल पिछले दिनों आराध्या बच्चन की लाइफ और हेल्थ को लेकर एक खबर सामने आई थी जो पूरी तरह से फेक थी। जैसे ही इस फेक न्यूज की जानकारी बच्चन परिवार को मिली, वो उन्होंने इस मामले में यूट्यूब चैनल के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया। आराध्या बच्चन की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी बच्चे की छवि को सोशल मीडिया पर नुकसान पहुंचाना एक गंभीर मामला है। चैनल और वेबसाइट को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा था, हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है, यूट्यूब की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की फेक खबरों पर रोक लगाए। हाईकोर्ट ने चेतावनी भी दी कि भविष्य में इस तरह की फर्जी खबरें शेयर नहीं की जानी चाहिए, साथ ही सभी वीडियोस और जानकारी प्रसारित करने पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।